हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के रसायन शास्त्र के क्लास 10 के पाठ 4 कार्बन तथा इसके यौगिक की अति लघुतरीय प्रश्न भाग 2 में प्रश्न संख्या 4 से हम लोग नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह को बतलाना है। कार्बनिक यौगिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्रियाशील समूह जो है वह CHO होता है, CHO। कीटोन में क्रियाशील समूह जो होता है वह स्टूडेंट होता है R C OH। ईथर में क्रियाशील मूलक होता है O। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है COOH। प्राइमरी अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है स्टूडेंट OH। एस्टर का क्रियाशील मूलक है COOR। एल्काइन का क्रियाशील मूलक है CH CH। एल्कीन का CH2 CH2। एमीन का NH2। ये क्रियाशील मूलक हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संघनित सूत्र लिखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पेंटेन। पेंटेन का संघनित सूत्र होता है, इसका अणुसूत्र होता है C5H12। तो संघनित सूत्र होगा CH3 CH2 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 CH3। ये पेंटेन का संघनित सूत्र है। हमारा दूसरा जो प्रश्न है 2-methyl pentane, इसका संघनित सूत्र हमको लिखना है CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। देखिए स्टूडेंट, पेंटेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5। और यहाँ भी देखते हैं, पेंटेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या सीधी श्रृंखला में 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। और ये ब्रांच लाइन निकला हुआ है 2 नंबर कार्बन परमाणु से, इसलिए इसका नाम दिया गया है 2-methyl pentane। अब हमारा तीसरा प्रश्न है 2,2-dimethyl butane, इसका संघनित सूत्र होगा CH3 CH2 CH3। सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है, इसलिए इसको ब्यूटेन कहते हैं। अब
2,2 डाई मेथिल मतलब 2 मेथिल समूह इसमें जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के परमाणु संख्या 2 के साथ जो है इधर से देखते हैं 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। चार नंबर है एथाइन। एथाइन का जो संघनित सूत्र होगा वो होगा HC CH। एथीन का CH2 CH2। 2-hexene का होगा 2-hexene, हेक्सीन है यानी एल्कीन है यानी डबल बॉन्ड इसमें होगा, तो CH3 CH double bond CH CH2 CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH3। 6 कार्बन परमाणु, तो इसका नाम है 2-hexene क्योंकि 2 नंबर कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम होगा, और कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या 6 है इसलिए इसका नाम होगा 2-hexene। अब हमारा 7 नंबर है 2-methyl 2-butene। तो 2-methyl यानी 2 CH3 होना चाहिए इसमें दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु के साथ CH3 इन लगा हुआ है यानी एल्कीन है तो डबल बॉन्ड जरूर होगा CH double bond CH CH3, और ब्यूटीन है तो कार्बन परमाणुओं की संख्या सीधी रेखा में जो है सीधी लाइन में 1, 2, 3, 4, तो ब्यूटेन से ब्यूटीन हो गया। अब डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन परमाणु के साथ है, इधर से भी आएंगे तो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ है, इधर से भी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ है, तो 2-methyl इधर भी CH3 इधर भी CH3 इसलिए इसका नाम होगा 2-methyl 2-butene। अब 8 नंबर है अंतिम है, 5 का अंतिम सवाल है 2-butyne। ब्यूटाइन है इसका मतलब कि ये एल्काइन है तो इसमें होना चाहिए हमको ट्रिपल बॉन्ड, तो CH3 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला में नंबर होना चाहिए 4, CH3 4 कार्बन परमाणु हो गए। अब दूसरे नंबर कार्बन परमाणु के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम है 2-butyne, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, cis-2-butene तथा trans-2-butene के संरचना सूत्र लिखे। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा का अंतर होता है, इसका संरचना सूत्र हम लिखते हैं तो इन लगा हुआ है इसका मतलब कि ये एल्कीन है यानी डबल बॉन्ड होगा, और इसमें जो है सीस में दोनों मेथिल समूह जो होते हैं ये कोर होते हैं और हाइड्रोजन जो है ये कोर होता है, जबकि ट्रांस में यह उल्टा हो जाता है, कार्बन के दोनों परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड और दोनों ओर CH3 होता है, एगो नीचे एगो ऊपर और एक तरफ इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं
ट्रांस-2-ब्यूटीन, ये ट्रांस-2-ब्यूटीन का है और ये सीस-2-ब्यूटीन का संरचना सूत्र है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखें। निम्नलिखित यौगिकों में क्रियाशील समूह को बतलाना है। CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्रियाशील मूलक जो है COOH होगा। COOH, अब देखते हैं दूसरा में है CH3CH2NH2, तो इसमें क्रियाशील मूलक जो है NH2 यानी एमीन ग्रुप है इसमें। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का 3, ये 7 का 3 नंबर है, इसमें जो क्रियाशील समूह है वह COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें मूलक। इसमें भी क्रियाशील समूह COOH है, इसमें क्रियाशील समूह एल्डिहाइड है यानी CHO, और इसमें जो है एल्कीन है, क्रियाशील मूलक एल्कीन है CH, इसको एल्कीन कहते। इसमें जो क्रियाशील मूलक है वह ईथर है, वो जहाँ लगा रहे हैं उसको हम लोग ईथर कहते हैं। तो 2 C2H5 C2H5, तक 2-ethyl ether इसका नाम होगा सामान्य नाम। इसका क्रियाशील मूलक जो है 8 का, यह है COOCH2। इसका क्रियाशील मूलक जो है CH CCH2CH3, इसमें क्रियाशील मूलक जो है CH यानी एल्काइन ग्रुप है, ये एल्काइन। स्टूडेंट 7 का अंतिम है, इसमें NO2 है, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका क्रियाशील मूलक होगा NO2। अब हमारा सवाल है 8, प्रश्न संख्या 8, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखें। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कार्बन के 2 प्राकृतिक अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप हैं, नंबर 1 हीरा और नंबर 2 ग्रेफाइट, जबकि मानव निर्मित कार्बन के अपरूप हैं कोक, कार्बन ब्लैक और कोल गैसें मानव निर्मित अपरूप हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखें। अचार बनाने में किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट अचार बनाने में कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में, विनेगर में इसकी मात्रा 6-8% होती है और इसका अनुसूत्र होता है CH3COOH। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। CnH2n+1 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+1 सामान्य सूत्र है एल्कील समूह का, CnH2n+1 एल्कील
समूह का सामान्य सूत्र है। अब हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 11, दो एंजाइम का नाम बताएं। तो दो एंजाइम के नाम हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह, ये सब इन्वर्टेज, जाइमेज, लाइपेज, ये जो हैं एंजाइम के नाम हैं। तो दो एंजाइम के नाम एक नंबर में लिखेंगे जाइमेज, और दो नंबर में लिखेंगे इन्वर्टेज, इन्वर्टेज। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने रसायन विज्ञान के वर्ग 10 के रसायन विज्ञान के पाठ 4 कार्बन तथा इसके यौगिक के अति लघुतरीय प्रश्न के प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 11 के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें स्टूडेंट। जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनकी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।